जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का पिछले लगभग 10 सालों से इंतजार कर रहे प्रदेश के लोगों के लिए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहत भरी खबर दी है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव 3 चरणों में होंगे। आइए आपको बताते हैं कब और किस दिन जम्मू कश्मीर के किस जिले में होगा मतदान। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द 41 इंडिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आज ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरण में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा, जबकि दूसरे फेज की वोटिंग 25 सितंबर को होगी और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। वहीं 4 अक्टूबर को वोटिंग की गिनती होगी। जम्मू कश्मीर में पहले फेज के लिए नोटिफिकेशन 20 अगस्त को जारी होगी। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 27 अगस्त होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त होगी। वहीं दूसरे फेज के लिए नोटिफिकेशन 29 अगस्त को जारी होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 5 सितंबर होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 सितंबर होगी और 25 सितंबर को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी होगी और नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर होगी। वहीं नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 17 सितंबर होगी और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां 87.09 लाख मतदाता हैं, जिनमें 44.46 लाख पुरुष और 42.63 लाख महिला मतदाता होंगी। यहां पहली बार मतदान करने वालों की संख्या 3.71 लाख होगी। वहीं कुल 20 लाख से ज्यादा युवा मतदाता होंगे। इलेक्शंस इन J&K विल बी हेल्ड इन 3 फेजेस। 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase, nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September, and phase 3 nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October. And everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anandnag, Pulwama, Shofian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandhabal, Srinagar, Badgaon in the valley side, and on the Jammu side Poonch, Rajouri and Riyasi. And then the forces move up, so North Kashmir in the upper ridges and also the Jammu and Udhampur, Samba and Rikwepa, Katua region. This is what would be the schedule there. अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहा विधानसभा चुनाव काफी महत्व रखता है। इन चुनावों में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जिसमें स्थानीय राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी केंद्रीय पार्टी प्रमुख दावेदार हैं। वहीं इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के स्थानीय मुद्दों, विकास की योजनाओं और क्षेत्रीय शांति पर खास जोर रहेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस बार के चुनाव के नतीजे जम्मू कश्मीर की राजनीति में नया अध्याय जोड़ सकते हैं। वहीं हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में प्रदेश के मतदाताओं के उत्साह को देखते हुए ये साफ है कि लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी को लेकर जागरूक हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि लोकसभा चुनावों में जिस तरह जम्मू कश्मीर के वोटरों ने यहाँ दशकों शासन करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की लीडरशिप को दरकिनारे करते हुए अपना फैसला सुनाया है,
लोकसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को लगभग 2 लाख वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को भी भारी अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। रही बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की, तो भाजपा ने कश्मीर संभाग में तो चुनाव ही नहीं लड़ा, लेकिन जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर लगातार तीसरी बार प्रचंड जीत हासिल की। वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में आई दोनों ही सीटें कांग्रेस ने भारी मतों के अंतर से हारी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहा विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इन चुनावों में मुकाबला ऑल वर्सेस बीजेपी है। विपक्षी पार्टियां पूर्ण राज्य की मांग को लेकर भाजपा पर हमलावर है, वहीं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी भाजपा के खिलाफ लामबंद हुई है। खैर, चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों का फैसला ही अहम होगा कि वह विपक्ष के आरोपों का समर्थन करते हैं या फिर भाजपा के विकास के दावों का। चुनाव नतीजे किसके पक्ष में आते हैं ये तो 4 अक्टूबर को ही पता चलेगा, पर एक बात तो पक्की है कि इन चुनावों में जीत लोकतंत्र की ही होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की उन पंक्तियों के साथ इस अंक को करते हैं खत्म कि लंबी कतारों में है बदलते सूरते हाल की कहानी, रोशन उम्मीदें करेंगे गोया अपनी तकदीरों की बयानी, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए द फोर्थ मैन इंडिया के साथ। धन्यवाद।